भाई साहब, could I get you something? Everything. दोस्तों आज हम रिएक्शन कर रहे हैं जिगरा मूवी के ट्रेलर पर। भाई आलिया भट्ट की काफी टाइम के बाद मूवी आ रही है, आई थिंक ब्रह्मास्त्र के बाद ना। हाँ शायद डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र के बाद ही आ रही है, या बीच में कोई आया तो कमेंट करके बस जरूर बताना। शायद किसी हॉलीवुड मूवी में फीचर हुई थी और उसके बाद शायद ये मूवी है इनकी। तो चलिए देखते हैं। अभी सुना बहुत है इसके बारे में मैंने, टीजर रिलीज होता हमने रिएक्शन नहीं दिया। तूने कुछ किया? तू कुछ टच किया? कुछ खाया? ओके, तेरे फोन से कोई कॉल्स? कभी ने कोई कॉल्स किए तेरे फोन से? नहीं, ब्लड सैंपल लिया तो क्लीन आएगा ना? तू डर मत, कुछ नहीं होगा। Sangwe wei zhe yi tin xin zhe zhe xi wang. What did he say? Japanese. What if कोई जापान में है? अगर मैं अपना नस काट दूं तो क्या वो अंकुर को मुझसे मिलने देंगे? पागलों जैसे बात मत करो, give me that knife. तू मैं ड्रामेटिक नहीं बन रही, okay? Just tell me the rules. Can an inmate meet a family member in a life and death situation? It's very simple. थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क होता है सत्या, तू सेट है? भाई साहब, could I get you something? Everything. Menu. वही सीन था जो सोच रहा है। ये कहीं जेल से भगाने वाले तो नहीं है उसे? लव ऐसे ही रहा है। कोई परेशान तो नहीं कर रहा ना अंदर? कोई क्या परेशान करेगा मुझे, आप जो मेरी दीदी हो, हजारों में एक। तारा ना दिस या चन्न खो जावे तेनो संग रखना, कुछ ना होवे या सब हो जावे तेनो संग रखना। वड्डी तो वड्डी Goosebumps आ रहे हैं मेरे। ओह यार, वसन बाला। पर मैंने कभी नहीं कहा मैं सही इंसान हूँ, मैं सिर्फ अंकुर की बहन हूँ। जिगरा, सही नाम दिया है यार इस मूवी का। बंदी का जिगरा है, जिगरा भाई। बहन का जो प्यार है ना, जिस लेवल का है उसके भाई के लिए, वो बहुत सही था। सबसे खतरनाक वही वाला सीन की अंकल बस मुझे आप ये बात बताओ कि क्या मेडिकल इमरजेंसी पे वो उसको मुझसे मिलने देंगे, मैं अभी काट लेती, खत्म काम। मतलब इतना कॉन्फिडेंट। एंड एक बात तो मानना पड़ेगी, हम बहुत बोलते हैं नेपोकेट बॉलीवुड में, नेपोकेट, ये कुछ नाम ऐसे है ना जो लात मारते हैं नेपोकेट वाले जो कॉन्फिडेंसी है। लाइक आलिया भट्ट, एक टाइम पे इस बंदी का इतना मजाक उड़ाया गया था, एक्टिंग बाय गॉड बहुत बढ़िया थी ड्यू टू जनरल नॉलेज, और आज उन्होंने अपनी एक्टिंग से उस मजाक की बूटी बजा दी है। भाई इसमें तो नेक्स्ट लेवल एक्टिंग, और इसके अंदर जो म्यूजिक दिया है वो भी काफी BGM. बहुत इमोशनल कर देने वाली मूवी होने वाली है। बहुत ट्रेलर देख के इमोशनल फील हो रहा है, और वो जिस तरह की चीजें कर रहे हैं उसके भाई के साथ, भाई बहुत ही गंदा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। वो कहीं जापान या कहीं ऐसे जापान का ही है, वो एनिमे टाइप के ही थोड़ा सा इन्होंने रखा है उसको, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग और सब कुछ वैसे ही रखा है। जापान में टेक प्लेस कर रही है मूवी, और वहां से वो उसको बचा के लेके आएंगी जेल में, ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, मतलब वो जेल तोड़ के भगा के लाने वाली है। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, मैं ये फिल्म जरूर देखना चाहूंगा यार, डेफिनेटली यार, क्योंकि ऐसी फिल्म बहुत कम बनती है, मतलब जो कुछ अलग कॉन्सेप्ट हो। जेल से भगाने वाली तो बहुत सारी फिल्में देखी, लेकिन एक लड़की
बहन अपने भाई को भगा रही है, वो भी इस लेवल पे कि कोई बंदा भी ना कर पाए, तो वो ऊपर से ट्रेनिंग भी ले रही है उस चीज़ के लिए ना कि लड़ाई हो जाएगी तो कुछ हो जाएगा। तो भाई सैल्यूट है यार यहाँ पर आलिया भट्ट को एक्टिंग का, कि क्या लेवल की एक्टिंग की, फेस एक्सप्रेशन जो होते हैं ना लेवल के दिए हैं यार भाई, मज़ा आ गया। बाकी आप बताइए कैसा लगा आपको आज का रिएक्शन, चलेगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।